चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाल मौन स्वयं सिद्ध हूँ। जिस चैतन्य महल के पड़ोस में अनंत परमाणुओं से बनी राख की अनंत दीवारें चैतन्य महल को जड़मय नहीं बना सकी। जो चैतन्य महल त्रिकाल स्वयं सुरक्षित रहा, जिस चैतन्य महल में विकल्प को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं, ऐसा यह परिपूर्ण चैतन्य महल ही मैं हूं। जो वाणी की अभिव्यक्ति से व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो पर्याय में भी व्यक्त नहीं हो सके, वह वाणी में व्यक्त कैसे हो। निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में व्यक्त नहीं होने वाला ऐसा यह त्रिकाल अव्यक्त ज्ञायक देव वाणी में व्यक्त कैसे होगा। मैं तीन लोक और तीन काल में किसी भी पर में किसी भी पर्याय में व्यक्त नहीं होने वाला अव्यक्त चैतन्य परमात्मा हूं। व्यक्त करने वाला यह वचन, व्यक्त करने वाला यह विकल्प, जो जानता ही नहीं है कि अव्यक्त ज्ञायक देव कौन है। मैं त्रिकाल अशरीरी, मैं त्रिकाल ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा हूं, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से यह स्वीकार होता है कि परमाणु है ही कहां। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से हल्का और भारी ऐसा अनुभव नहीं होता, मात्र ज्ञान का अनुभव होता है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति अभी हो रही है, क्योंकि अनुभूति स्वभाव है, स्वभाव को छीना नहीं जा सकता, स्वभाव को लूटा नहीं जा सकता, स्वभाव का घात नहीं हो सकता, स्वभाव खंडित नहीं हो सकता। स्वभाव ही न रहे तो वस्तु ही न रहे। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं हूं। सिद्ध परमात्मा के पड़ोस में
राख की दीवार जो बनती है वह सिद्ध को पूछ करके नहीं बनती, वह मुझे पूछ करके नहीं बनती, और जो मुझे पूछ करके नहीं बनती वह मुझे पूछ करके कैसे बिखर सकती है। परमाणु परमाणु का स्वयं का स्वतंत्र परिणमन, उस परिणमन में मैं अपरिणामी चैतन्य सत्ता कहीं भी नहीं। अनुभव को अनुभव में ही रहने दो, अनुभव को अनुभव का कार्य करने दो, अनुभव में छेड़खानी न करे, अनुभव हो रहा है हो रहा है। सिर्फ यह जागृति कि अनुभूति में बाहर न आने वाला, अनुभूति में नहीं आने वाला, अनुभूति में नहीं आने वाला, पर्याय में नहीं आने वाला, यह ज्ञायक देव मैं हूं। और जो ज्ञायक देव अनुभव की पर्याय में न आए वह मांस और खून में कैसे जाए। वह राख की दीवार के विस्फोट से कैसे बिखर जाए। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, कोई भूमि सिद्ध भूमि दिखे ही नहीं, संयोग से देखे तो सिद्ध भूमि दिखाई देती है, संयोग से देखे सिद्ध क्षेत्र दिखाई देता है, संयोग से देखे सिद्ध शिला दिखाई देती है, संयोग से देखे सिद्धालय दिखाई देता है, संयोग से देखे सिद्धपुर दिखाई देता है, मगर स्वभाव से देखे तो कोई सिद्ध भूमि नहीं, कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं, कोई सिद्ध शिला नहीं, कोई सिद्धालय नहीं, कोई सिद्धपुर नहीं। स्वभाव से देखे तो सिद्ध क्षेत्र पर वास करता हुआ नहीं दिखता, सिद्ध भूमि पर वास करता नहीं दिखता, सिद्ध शिला पर वास करे वह सिद्ध नहीं, पत्थर पर वास करे वह सिद्ध नहीं। और जो पत्थर पर वास नहीं करता वह मिट्टी पर वास कैसे करे, सिद्ध शिला पर वास न करे वह मांस पर वास कैसे करे। इसलिए इस देह में मैं विराजमान हूं ही नहीं, देहधारी हूं यह संयोग वाली दृष्टि है, यह मिथ्या दृष्टि है। मैं चैतन्य 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 यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा इस द्वार से परमाणु में प्रवेश करे, प्रत्येक परमाणु अनंत गुणाधिपति है, प्रत्येक परमाणु अपने अनंत गुणों से भरपूर है,
प्रत्येक परमाणु अपने स्वभाव से भरपूर है, प्रत्येक परमाणु अपनी घनता में, अपनी अखंडता में, अपने एक पने में परिपूर्ण है। जब परिपूर्ण है तो उसके भीतर प्रवेश हो कैसे? जब एक परमाणु में प्रवेश न हो तो देह में प्रवेश हो कैसे? क्योंकि देह अनंत परमाणु का ही तो पिंड है, सिद्ध देह में प्रवेश नहीं करता। मैं देहधारी नहीं, मैं देहधारी नहीं, फिर संसारी रहा ही नहीं। संसारी तो वह जो देहधारी है। देह को धारण करने के लिए, देह के पास जाने के लिए, देह को ग्रहण करने के लिए अपने में अधूरापन नहीं कि देह मुझ में आए, न देह में अधूरापन है कि चैतन्य देह में जाए। ये कभी तय नहीं होने वाला फासला है। मैं चैतन्य सिद्ध परमात्मा, राख की दीवार के विस्फोट के दर्शन का भी विकल्प नहीं। अधूरापन क्या है कि राख की दीवार का विस्फोट भी देखने जाए? भले ही राख की दीवार का विस्फोट वह मेरा विस्फोट नहीं, मगर देखने भी क्यों जाए जब इतना आनंद का भोग होता हो कि मैं सिद्ध परमात्मा आनंद स्वरूप हूं। फिर राख की दीवार के विस्फोट को देखने की भी रुचि नहीं। कोई मत बुलाना मुझको, मैं राख की दीवार का विस्फोट देखता हूं, ऐसा नहीं। राख की दीवार का विस्फोट देखने की भी जब रुचि न रहे, तभी यह दशा प्रकट होती है, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। विस्फोट देखने में तल्लीन नहीं होता, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। यह ज्ञायक देह, ये सिद्ध जिसके चारों ओर ज्ञान है, जिसके प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान का रस है, जिसके अंतर में कहीं पर भी विकार के लिए अवकाश नहीं है, राग के लिए अवकाश नहीं तो राग के लिए अवकाश कैसा? यह सिद्ध परमात्मा एक एक प्रदेश पर अनंत 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 गुणों का वास, और फिर भी भेद नहीं, फिर भी ऐसा अखंड और अभेद, और अनंत गुण अपने अपने स्वभाव में स्वतंत्र, फिर भी अनंत गुणों में विरोध नहीं, अनंत गुणों में अभेदता, अनंत गुणों में एक दूसरे का रूप, फिर भी अनंत गुण स्वतंत्र, अनंत गुण स्वतंत्र सत्ता स्वरूप, और अनंत गुणाधिपति ज्ञायक अपनी सत्ता में स्थित। यह सत्ता में स्थित ज्ञायक देव, यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूं। यह ज्ञायक देव, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। विकल्प में नहीं,
निर्विकल्प में नहीं, सिद्ध सत्ता स्वरूप है। वेदना में नहीं, वेदन में नहीं, संवेदन में नहीं, स्व संवेदन में नहीं, क्योंकि यह स्व है। संवेदन नहीं, यह स्व है। सत्ता स्व की है, संवेदन का उत्पाद है, संवेदन का व्यय है। और सत्ता ध्रुव 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 है। मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप सिद्ध, राह की दीवार के विस्फोट में भी रुचि नहीं, तो फिर सिद्ध शिला की भी रुचि कैसी? ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा, स्वयं सिद्ध परमात्मा, घनपिंड परमात्मा, स्व संवेदन से न्यारा, स्व 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 ओ